वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रिज इक्विपमेंट। और ब्रिज इक्विपमेंट में आज हम पढ़ेंगे बनवास के बारे में। बनवास का फुल फॉर्म होता है ब्रिज नेविगेशन वॉच अलार्म सिस्टम। ओके, तो बनवास एक्चुअली करता क्या है, ये देखता है कि OOW हमारा एक्टिव है कि नहीं, मतलब अनकॉन्शियस तो नहीं हो गया, या फिर कोई कभी कभी क्या होता है कि तबीयत ख़राब होती है या फिर नींद आती है, तो नींद आती है तो फिर वो सो जाते हैं। तो अगर वो शिप पे OOW वो सो गया तो बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है वो। ओके, सो यू कैन इमेजिन दैट एक शिप चल रही है और उसका OOW सोया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स में हो। सो बनवास क्या है, बनवास पहले डेड मैन अलार्म भी कहलाया जाता था और ये इंजन रूम में होता था। ओके, इंजन रूम वॉचेस के टाइम पे, बट अभी ब्रिज पे है बनवास नाम से। ओके, सो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग छोटा सा वीडियो बनाएंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनवास के बारे में, मतलब पर्पस कॉन्सेप्ट वैसा नहीं, बट स्टेजेस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टेजेस ऑफ अलर्टिंग सीक्वेंस ऑफ अ बनवास यूनिट, ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग, बट वी विल मोर फोकस ऑन ये जो हमारे स्टेजेस है वो। ओके, तो हम लोग पहले तो कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ये ना बनवास क्या करता है, बनवास मॉनिटर करता है प्रेजेंस अवेयरनेस एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज़ ऑफ द नेविगेशनल ऑफिसर, नेविगेटिंग ऑफिसर सॉरी। तो अगर उसका अवेयरनेस होना चाहिए, प्रेजेंस उसकी होनी चाहिए, अभी वो ब्रिज पे नहीं है, देन ब्रिज खाली है तो अच्छी बात नहीं है शिप के लिए, इट्स नॉट अ गुड साइन। सो ये सब होना चाहिए, फिर वो वार्निंग देता है तो वो स्टेजेस में वार्निंग देता है, पहले ब्रिज पे, फिर बैकअप ऑफिसर के रूम में, एंड ऑल एंड ऑल। तो हम लोग स्टेजेस भी पढ़ेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट और पर्पस है उसका। ओके, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग मोर फोकस करेंगे स्टेजेस ऑफ अलर्टिंग सीक्वेंस पे। तो स्टेजेस क्या होते हैं, अभी देखो एक्चुअली क्या होता है, बनवास एक ऐसा इक्विपमेंट है जो ह्यूमन को ट्रैक करता है, मीन्स ह्यूमन की प्रेजेंस को, ह्यूमन की मूवमेंट को ट्रैक करता है। ओके, वो मोशन सेंसर नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि लोगों ने पेंडुलम टाइप बना के कैमरे के सामने, उसके जो सेंसर है उसके सामने उसको रिलीज़ कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको लगता है मूवमेंट हो रही है एंड देन दे स्लीप, सो दिस इज़ रॉन्ग। तो वो नहीं होना चाहिए, तो फिर अभी क्या करें, तो उन लोगों ने ऐसा सेंसर क्रिएट किया है, आई डोंट नो एग्जैक्टली वो क्या है, हीट सेंसर है, वो बॉडी हीट ट्रैक करता है कि नहीं, बट आई हैव हर्ड दैट इट्स अ बॉडी हीट सेंसर। और ये इतना ज़्यादा है, मतलब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी है, डोमेन पीरियड करके एक पीरियड होता है, तो मतलब क्या होता है, अभी क्या होता है इसमें ना, बनवास में एक कॉन्सेप्ट होता है डोमेन पीरियड करके। तो डोमेन पीरियड क्या होता है, इस अ ड्यूरेशन सेट बाय द शिप्स मास्टर विद इन अ रेंज ऑफ 3 to 12 minutes। ओके, द OOW शुड रीसेट द अलार्म सिस्टम विद इन दिस पीरियड। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन पीरियड क्या होता है एक्चुअली, कि मतलब एक ये रीसेट टाइम रहता है, कि मतलब अभी आपने अभी जैसे मूवमेंट किया और आप रुक गए, ठीक है, आप जैसे ही रुके उस सेंसर को पता चल गया कि आप रुक गए, कोई मूवमेंट नहीं है ब्रिज पे, तो अब वो क्या करेगा, उसका टाइमर चालू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी कोई मूवमेंट नहीं है। तो जो डोमेन पीरियड है वो 3 minutes to 12 minutes के बीच में होता है, 3 to 12 minutes के बीच में होता है। ओके, तो अभी क्या होता है, जैसे हमारी शिप में सपोज़ 5 minutes रखती, तो आपका अभी ब्रिज पे कोई मूवमेंट नहीं है। ओके, सो आपका अगर मूवमेंट नहीं है शिप पे, तो अभी क्या होएगा, यहाँ से टाइमर चालू हो गया 5 minutes तक का, हाँ, जैसे हम लोग अलार्म लगाते हैं 5 minutes तक का। तो अब क्या होएगा, 5 minutes के बाद, 5 minutes के बाद आएगा फर्स्ट विजुअल अलार्म, ठीक है। तो अब मैं इसको एक डायग्राम से समझाऊंगा। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग टाइम, ठीक है,
और ये हो गया हमारा डोमेन पीरियड, मतलब ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा डोमेन पीरियड। ओके ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारा डोमेन पीरियड। ओके चेंज कलर करके बताता हूँ, ये हमारा डोमेन पीरियड हो गया। ठीक है, तो डोमेन पीरियड जैसे हमारा था कितना, 5 मिनट, तो हमने ले लिया 5। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, एक लाइट रहती है ब्रिज पे रेड कलर की। ओके बहुत ब्राइट रहती है, मतलब ओके ब्राइट रहती है, बिकॉज सामने अगर शिप है तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए उसे भी। ओके कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि नेविगेशनल लाइट्स के साथ वो मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। सो रेड लाइट रहती है, मतलब कैची लाइट रहती है कि आप अगर थोड़ा सो भी रहे हो या फिर इधर उधर हो तो ओके यू कैन गेट इट। तो वो जलती है 15 सेकेंड के लिए। ओके तो अब क्या होएगा, वो अगले 15 सेकेंड, इधर 5 मिनट हो गए और इधर पे वो चलती है 15 सेकेंड के लिए फॉर 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेज, ये होता है फर्स्ट स्टेज विजुअल अलार्म। कौन सा विजुअल अलार्म? ओके तो ये पहले हमारा डोमेन पीरियड हो गया, अब फर्स्ट स्टेज विजुअल अलार्म हो गया। ठीक है, अभी क्या होता है, मूवमेंट होना रहता है, तो अगर आपका डोमेन पीरियड के अंदर मूवमेंट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। ठीक है, पर जैसे ही ये लाइन क्रॉस हो जाती है, ये जो डोमेन पीरियड की लाइन है, 5 मिनट्स की लाइन है जो, ये अगर क्रॉस हो जाती है तो फिर ये जो पीरियड चालू होता है फर्स्ट विजुअल अलार्म का, इसको आपको मैन्युअली जाके रीसेट करना पड़ता है, उधर रीसेट बटन होता है बनवास पे। ओके ठीक है, तो अभी इसमें मैन्युअली जाके आपको रीसेट करना पड़ेगा, मतलब या यू आर सेफ, शिप इज़ सेफ। ओके अब विजुअल अलार्म हो गया, जैसे अभी भी आप सो रहे हो, जैसे आपका आँख लग गया तो विजुअल अलार्म से आप उठ नहीं पाए, तो फिर क्या होता है, ब्रिज पे ही, ये विजुअल अलार्म भी ब्रिज पे होता है। ठीक है, विजुअल अलार्म ब्रिज पे होता है, उसके बाद 15 सेकंड के लिए वापस, ये 15 सेकंड हो गए, फिर उसके बाद 15 सेकंड के लिए क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ऑडियो अलार्म। ठीक है, ये होता है 15 सेकेंड के लिए, 15 सेकेंड के लिए फर्स्ट स्टेज ऑडियो अलार्म। ओके तो ये जो 15, ये भी होता है ब्रिज पे, ऑडियो अलार्म भी होता है फर्स्ट स्टेज का ब्रिज पे, और इसे भी मैन्युअली करना पड़ता है। और साथ में एक बात याद रखो कि जो अलार्म जो स्टार्ट होते हैं वो चालू ही रहते हैं जब तक उसको मैन्युअली रीसेट करना दिया जाए। ये लाइट जो चालू है वो जब तक रीसेट नहीं होगी तब तक चालू रहेगी, फिर चाहे ये फर्स्ट स्टेज अलार्म क्यों ना बज रहा हो। ठीक है, ये भी मैन्युअली रीसेट करने पे ही होगा। अब ये चलो ये ठीक है, अभी भी रीसेट नहीं हुआ, समझो तबीयत ख़राब है, बेहोश हो गया, कुछ हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो किसे पता चलेगा, ये रीसेट नहीं कर सकता OW, तो अब बाकी लोगों को पता चलना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, फॉर 90 सेकेंड्स टू 3 मिनट्स। ओके, मतलब 1.5 मिनट से 3 मिनट के बीच में, 1.5 मिनट टू 3 मिनट तक का टाइम रहता है। वैसे जनरली नॉर्मल हमारी कार्गो शिप पे 1.5 मिनट का ये अलार्म रहता है, सेकेंड स्टेज अलार्म बोलते हैं, 1.5 मिनट का। ठीक है, ये होता है सेकेंड स्टेज का। ठीक है, तो ये जो सेकेंड स्टेज का अलार्म होता है, ये होता है ऑडियो अलार्म, और ये बचता है बैकअप ऑफिसर के रूम में। और नॉर्मली हमारा बैकअप ऑफिसर होता है थर्ड ऑफिसर, नहीं तो चीफ ऑफिसर। ठीक है, जैसे जितने भी नेविगेटिंग ऑफिसर है उसमें से वो आपको बताया जाएगा आपका बैकअप ऑफिसर कौन है, मतलब बैकअप ऑफिसर्स के रूम में बचता है। ठीक है, ये हो गया, अब इसमें बैकअप ऑफिसर भी नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, या फिर लेट हो रहा है, मतलब 1.5 मिनट हो गए, तो जब तक ये विजुअल अलार्म भी चालू रहेगा, ये फर्स्ट स्टेज अलार्म भी चालू रहेगा ब्रिज पे, और ये बैकअप ऑफिसर के रूम में भी चालू रहेगा ऑडियो अलार्म, ठीक है, सेकेंड स्टेज का। अब क्या होगा, फिर उसके बाद एक और अलार्म रेज होएगा,
लास्ट अलार्म ओके, ये होता है थर्ड स्टेज अलार्म और ये जनरली होता है मास्टर के केबिन में, ठीक है। और ये जो बैकअप ऑफिसर का है वो मास्टर का केबिन भी होता है और चीफ ऑफिसर के केबिन में भी बचता है, पर ये जो थर्ड स्टेज का है अलार्म, ठीक है, ये ऑडियो अलार्म रहता है और ये बचता है सब नेविगेटिंग ऑफिसर के रूम्स में, ठीक है, ये सब नेविगेटिंग ऑफिसर्स के रूम में बचता है, ये सब रहता है। और इन सब को जो रीसेट नहीं किया जाए, ठीक है, जब तक रीसेट नहीं करोगे तब तक बंद नहीं होगा ये। और जो थर्ड वाला है वो बचते ही रहता है और ये सब बचते ही रहते हैं, सब साथ में बचते हैं, ठीक है, जब तक मैनुअली आप उसे रीसेट ना कर। ओके, अब ये तो हो गए स्टेजेस, मैं आपको एक चार्ट टाइप दिखाऊंगा, फ्लो चार्ट, जो एग्ज़ाम में बनाना है आप, और उसको थोड़े थोड़े दो दो लाइन में एक्सप्लेन करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, 5 out of 5, ठीक है। और वैसे इस चैप्टर को मैंने इसलिए फर्स्ट उठाया क्योंकि ये ज़्यादा है नहीं बताने के लिए, ये एक ही क्वेश्चन है जो 100% आएगा, क्या 100% आएगा, क्योंकि अभी लास्ट टाइम तो आया नहीं था, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी आप बाकी चीज़ें भी अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है IMU के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये जो है मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बनवास, ठीक है, सो जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बनवास होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बनवास क्या चीज़ है, ठीक है, तो मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बनवास, तो इसमें देखो तीन चीज़ होती है, इसके भी तीन पार्ट है, इसके जो मोड्स है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन, उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, 1, 2, 3, ओके, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटोमेटिक में जैसे इट विल कम ऑन वेन एवर द वेसल सिलेक्ट्स ऑटो पायलट फॉर स्टेयरिंग एंड गो ऑफ वेन मैनुअल स्टेयरिंग मोड इज सिलेक्टेड, मतलब जैसे कि ऑटो पायलट पे है, ठीक है, ऑटो पायलट पे रहेगा तो वो ऑन हो जाएगा, ओके, क्योंकि अगर ऑटो पायलट पे है तो OW को हेल्म ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हेल्म ड्यूटी नहीं कर रहा मतलब वो सोने के चांसेस बढ़ गए या फिर कुछ भी होने हो सकता है उसे, वो ब्रिजविंग से गिर गया तो वो सब के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिक जैसे ही होता है तो वो ऑन हो जाता है, और जैसे ही वो मैनुअल पे होता है, मतलब हेल्म जो है हमारा वो मैनुअल पे हो जाता है और ऑटो स्टेयरिंग से हटा देते हैं, मैनुअल पे ले लेते हैं स्टेयरिंग मोड, तो वो ऑफ हो जाता है, ओके। और दूसरा होता है मैनुअल ऑन, ठीक है, मैनुअल ऑन रहता है, तो मैनुअली ऑन हमेशा रहता है ये, फिर वो चाहे हेल्म के थ्रू हो या फिर ऑटो पायलट के थ्रू, बिकॉज इट्स अ गुड प्रैक्टिस, हमेशा वो ऑन रहना चाहिए कि किसी को भी कभी भी अनकॉन्शियस फील हो सकता है, कभी भी वो बेहोश हो सकता है, कभी भी वो उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, वो सो सकता है, हार्ट अटैक भी आता है, सो कुछ भी हो सकता है, तो ये ऑन रहना चाहिए ताकि सब चीज़ें कंट्रोल में हों और कोई बड़ा हादसा ना हो, ठीक है। तो और ये जो रहता है ये हमेशा ऑन ही रखते हैं, मैनुअल ऑन पे ही रखते हैं कभी भी, ठीक है। और एक होता है मैनुअल ऑफ, और मैनुअल ऑफ जो होता है ये कुछ भी हो जाए ये कभी नहीं किया जाता ऑफ इसे बनवास को, ये IMO का रूल टाइप है, मतलब उसने स्ट्रिक्टली बोला है कि ऐसा नहीं करना है, ऑफ करना ही नहीं है बनवास को, ओके। तो ये इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन है कुछ। और एक होता है रीसेट फंक्शन, ठीक है, तो ये रीसेट फंक्शन क्या करता है, ठीक है, जो रीसेट फंक्शन होता है, रीसेट बटन होता है हमारा, ओके,
ये कभी भी ब्रिज में ही लगा होता है, बैकअप ऑफिसर के रूम में कभी नहीं होता। क्योंकि अगर वो बैकअप ऑफिसर ब्रिज पे जाके कंडीशन नहीं देखेगा तो मतलब नहीं हुआ बनवास को। अगर कैप्टन अपने रूम से बैठ के वो ऑफ़ कर रहा अलार्म तो मतलब क्या हुआ, वो उधर ओ डब्ल्यू बेहोश पड़ा है जैसे, और कैप्टन अपने रूम से उसको ऑफ़ कर देगा तो सब डेंजर में। इसके लिए कभी भी रीसेट बटन होता है वो ब्रिज पे होता है, और ब्रिज पे जाके ही एक्सेस करना पड़ता है और उसे ऑफ़ करना पड़ता है। ओके पेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है।